धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। खुदावन यीशु, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, बड़ाई, प्रशंसा, आदर और सम्मान हो, क्योंकि आप पे आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी हमें दिए हैं। हाँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह दया कृपा प्रभुता करुणा से आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी हम पाए हैं। आपकी इच्छा चाहत मर्जी से आज के दिन के साथ आज की रात्रि को भी हम देख पाए हैं। प्रभु जी, तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं। हाँ, आपके मीठा मनोहर चमत्कारी अद्भुत अनोखा मंगल नाम को ऊंचा करते हैं, यीशु नाम को ऊंचा करते हैं और ऊंचा करते हैं। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि अभी तक हमारे ऊपर है और आशा करते हैं कि सदा बनी रहेगी। होने दे प्रभु, जैसे हमारी आशा आपसे है वैसे ही आपकी करुणा भी हमारे ऊपर हो। धन्यवाद करते हैं खुदावन, प्रभु जी अनुग्रह कर जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उन सबों के ऊपर तो अनुग्रह कर, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर, उन सबों के जीवन में झाँक, सबों के जीवन के ऊपर प्रभुता कर दे खुदा, ताकि उनकी हालातें, परिस्थितियाँ चेंज हो जाए, बदल जाए। प्रभु अनुग्रह कर ये भाई ये बहन जैसे हैं वैसे ही रहने ना पाए, बल्कि हे प्रभु पूरी तरह चेंज हो करके, आशीष पा करके आगे की ओर बढ़े, ऊंचा जाए। सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय, आइए हम देखेंगे कि इस सुंदर शाम के वक्त प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों से क्या कहता है। लुका रचित सुसमाचार की पुस्तक 11 अध्याय के उसका 28 पद को और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 7 अध्याय के उसका 24 पद से वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। तो इसमें प्रभु कहता है कि वह लोग मेरे दृष्टि में धन्य हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं। हालेलुया, क्योंकि वे अपने घर को बालू पर नहीं बल्कि चट्टान पर बनाते हैं। आंधी आता है, तूफान आता है, उस घर से टकराता है, पर वो घर गिरता नहीं, ईस्ते रहता है। हालेलुया मेरे प्रिय, आप पे प्रभु के प्रेम में, प्रभु के संगति में शुरू से अंत तक तभी बने रह सकते हैं जब आप पे प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। हालेलुया, वचन सुनना पढ़ना बड़ी बात नहीं है, वचन को अपने जीवन में लागू करना, वचन के अनुसार चलना बड़ी बात है। जो कोई वचन को अपने जीवन में लागू कर लेता है, वचन के अनुसार चलता है, वो प्रभु के दृष्टि में धन्य ठहरता है। और क्या लिखा है, प्रभु की स्तुति हो, कभी वो प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होगा, चाहे जैसा भी परिस्थिति हालात उत्पन्न हो, मुश्किल घड़ी उत्पन्न हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। वो घर गिरता है
जो घर बालों पर बना होता है, अर्थात जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं पर समझते नहीं, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, जब थोड़ी सी समस्या आता है, वो लोग क्या हो जाएंगे? प्रभु के प्रेम से अलग हो जाएंगे, शुरू से अंत तक प्रभु में बने नहीं रहेंगे, ये स्थिर नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो शुरू से अंत तक प्रभु में बना रहेगा, प्रभु में धीरज धारा रहेगा, उन्हीं का उद्धार होगा। शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। सहायता कर प्रभु जी, मदद कर महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस प्रार्थना को, आज के वचन को जितने रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हे प्रभु, आज की प्रार्थना, आज का वचन सब सुनने वालों के जीवन में कार्य करने पर हे प्रभु जी अनुग्रह कर, सबों के जीवन में प्रभु चमत्कार करने पर होने दे। प्रभु आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के लिए पावरफुल होने पर, सामर्थ्य शक्तिशाली होने पर अनुग्रह कर। खुदा धन्यवाद देते हैं, सुनासरे आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, होने दे प्रभु। पूरे दिन तू संभाला है, पूरे रात भी संभाल, और अच्छी मीठी नींद आगे भी ख्याल रखना। हे स्वर्ग के पिता, सहायता कर पूरे दिन हमें और हमारे परिवारों को, एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली को चैन से रखने वाले, शांति से रखने वाले, सुखी से रखने वाले प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए। पूरे रात भी रखिए और आगे भी प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, डरावना पूरा सपना से छुटकारा दीजिए, सबों की मुश्किल घड़ी को दूर कीजिए, सबों के आर्थिक तंगी को, मानसिक तनाव को, चिंता टेंशन को खत्म कीजिए प्रभु। सबों के अंदर से बेचैनी, घबराहट, बेकुलता को प्रभु जी, डर की आत्मा को निकाल दीजिए स्वर्गीय पिता। सबों की परिस्थिति हालातों को बदल दीजिए प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु। जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं वो सब और उनका घराना उद्धार पाए, ऐसा अनुग्रह उन्हें दीजिए। हे प्रभु, अनुग्रह कर सबों को प्रार्थना करने की और वचनों को पढ़ने की अनुग्रह दे, और वचन के अनुसार जीवन बिताने की सामर्थ आत्मा दे, ताकि तेरे दृष्टि में सब धन ठहरे, और जब तू आए तो तेरे साथ तेरे राज में जाने पाए। सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता मदद गाइड कर दीजिए प्रभु जी, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुख शांति चैन की नींद, अच्छी मीठी नींद सबों को दीजिए, जितने इस प्रार्थना में शामिल हैं सबों को दीजिए, इन सबों के परिवार के एक एक सदस्यों को भी दीजिए, सब अच्छे से सोने पाए, पूरी रात अपने बिछौने में नीचे सोने पाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, डरावना बुरा सपना ना आए, डरवे की आत्मा ना सताए, कोई रोग उत्पन्न ना हो प्रभु, कोई तकलीफ है, चिंता टेंशन ना सताए। सहायता कर खुदा, बेचैनी घबराहट हरासी से, थकावट से, रोग बीमारी से छुटकारा दे प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर सबों की परिस्थिति हालातों को बदल दे, सबों के समस्याओं का समाधान कर, सबों के दुखों का निवारण कर प्रभु, सबों के अंधकार भरी जीवन में प्रभु अपनी ज्योति को उदय कर, सबों के घर परिवार में प्रभु आशीषें दे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बिखरे हुए परिवारों को समेट लीजिए, टूटे हुए रिश्ता को जोड़ दीजिए, टूटी उम्मीदों को जोड़ दीजिए, हार को जीत में, अपमान को सम्मान में बदल दीजिए, फेल को पास में बदल दीजिए, नामधराय को दूर कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, होने दे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, और सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में जितने भी गड़बड़ी चल रहा है सब कुछ ठीक कर दे
प्रभु इनके रिश्तों में प्रभु जितने भी प्रभु जी प्रॉब्लम है खत्म कर दीजिए। शादीशुदा वैवाहिक जीवन में जितने भी पिता परमेश्वर प्रॉब्लम है सॉल्व कर दीजिए प्रभु। प्रभु अनुग्रह कीजिए, धन्यवाद देते सुना से आपका धन्यवाद हो प्रभु। इस सुंदर शाम के वक्त भाई बहने वचन वचन बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं आप दीजिए। जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु जी दुआओं को कबूल करके उतर आमीन में दीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं प्रभु जी दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद यीशु, आप महान हैं, आप दयालु हैं प्रभु जी, आप अद्भुत हैं, अनोखा हैं प्रभु। धन्यवाद देते आपके तुल्य, आपके जैसा कोई नहीं, किसी के काम भी हाँ किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। सबों के जीवन में आप काम कीजिए, चमत्कार कीजिए, अद्भुत अनोखा कार्यों को कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते सुनाश्री, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते। सबों के मुख पर अपना मुख का प्रकाश चमका, सबों के जीवन की परिस्थितियां हालातों को बदल दे प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर दे प्रभु। जिनके अंदर अनर्थ की बातें प्रभु उत्पन्न होता है, पाप दुष्टता की बातें उत्पन्न होता है, शरीर और संसार की अभिलाषा की बात उत्पन्न होता है प्रभु जी, उनके अंदर स्वर्गीय पिता अपनी आत्मा उदय अपनी ज्योति को उदय करता कि ये सारी बातें उत्पन्न होना बंद हो जाए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर दे महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु नाज़री, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता मदद गाइड कर दीजिए, धन्यवाद यीशु संभालिए, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ख्याल रखिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु नाज़री, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी, अपने जीवन में आने वाले कल में स्वर्गीय पिता, हाँ अपने जीवन के आने वाले कल में आपके हाथ को हम देखें। अनुग्रह कर जितने बच्चा नौजवान इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं हे प्रभु, और सब अपने जीवन में आने वाला कल जो होता है उसमें प्रभु जी आपके हाथ को देखकर सहायता करना प्रभु, उन सबों का फ्यूचर भविष्य अच्छा हो, सहायता करना, मदद करना महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु नाज़री, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कर इस प्रार्थना को जितने बच्चन हो जन बड़े बुजुर्ग मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, वो सब आपके पनाह में रहे। तूने जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा, जीवितों के उजियाला में लाया प्रभु, उसी चला रहा है, इसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु शादा हमारे जीवन में अपनी दिव्य आशीषें स्थिर कीजिए, ऐसा प्रभु से अनुग्रह आपके ओर से हम चाहते हैं। सहायता कर, धन्यवाद देते हैं, सहायता कर, मदद कर मान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। सहायता मदद गाइड कर दीजिए प्रभु, संभालिए, देखभाल कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, देख रेख कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सहायता मदद गाइड कर दीजिए, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। सहायता कर प्रभु, मदद कर महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, शैतान से छुटकारा दे, शत्रुओं से प्रभु छुटकारा दे प्रभु, रोग बीमारी से छुटकारा दे, सारे कर्जों से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद देते शारीरिक दिक्कत परेशानी कलेशों से छुटकारा दे, चिंता से टेंशन से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए और प्रार्थना को शेयर भी कीजिए। ऐसा करने से प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, और जब उसकी दृष्टि आपके ऊपर आएगी आप जाना वाला रहेंगे और घटती में नहीं बढ़ती में आ जाएंगे। हालेलुया, और मेरे प्रिय दिन प्रतिदिन आगे कर बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, स्वर्गीय आशीषों से भी प्रभु आपको तृप्त करेगा, उत्तम उत्तम चीज़ें आपको देगा। मेरे प्रिय, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव करना और प्रार्थना को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आपके द्वारा कोई अपना मन प्रभु की ओर फिराता है, उधार पाता है, उसका प्रतिफल आप किसी रीति से नहीं खोएंगे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही, आप पाएंगे ही, और वो भी बहुत ऐसे प्रभु की ओर से पाएंगे। हालेलुया,
मेरे प्रियो, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपकी दिव्य प्रार्थना निवेदन प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। उसका उत्तर आपको हाँ आमीन में प्रभु जरूर देगा। प्रभु पर भरोसा रखिए, विश्वास में अटल बनिए, प्रभु आपको ब्लेस करें। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।